जब भी आप किसी न्यू टूरिस्ट प्लेस में जाते हो, आई एम श्योर आपको भी स्टे से लेकर थोड़ी बहुत तो कन्फ्यूज़न होती होगी। एक परफेक्ट स्टे चूज़ करने के लिए होटल के लोकेशन, रूम कंडीशन, डाइनिंग फैसिलिटी, पार्किंग, ये सभी चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, स्पेशली पांडिचेरी जैसे टूरिस्ट प्लेस में जो कि फेमस है बीच साइड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के लिए। सो हेलो गाइज, दिस इज सुमी, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप सुमी ब्लॉग्स, वेर यू कैन फाइंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू टूर्स एंड ट्रैवल्स। सो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ पांडिचेरी के टॉप 10 होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, जहां हमने सारे होटल्स को 1000 रुपीज से लेकर 6000 रुपीज के प्राइस रेंज में सिलेक्ट किया है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, हमने ये लिस्ट करंट प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग चूज किया है, तो टाइम एंड डिमांड्स के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। हैविंग सेड दैट, लेट्स क्विकली बिगिन आवर टुडेज वीडियो। सो गाइज, अगर आप बैचलर हो या फिर आप पांडिचेरी अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आना चाहते हो, तो आपके लिए गोवा स्टॉप से अच्छी ऑप्शन और क्या हो सकती है। यस गाइज, 1000 to 2000 रुपीज के प्राइस रेंज में आप गोवा स्टॉप पांडिचेरी में अपने लिए प्राइवेट रूम बुक कर सकते हो। और अगर आप डॉर्मेटरी रूम में स्टे करना चाहते हो, तो यहाँ आपको पर बेड के लिए ओनली 657 रुपीज पेड करना पड़ेगा। अब रही बात लोकेशन की, तो ये होटल पांडिचेरी के ऑरोविल में लोकेटेड है, जहाँ से मातृ मंदिर 2.8 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। अब रही बात रूम कंडीशन की, तो डॉर्मेटरी रूम में आपको 6 बेड मिल जाएगा और बेड का कंडीशन भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। और प्राइवेट रूम में आपको एक क्वीन साइज का बेड, टेबल, चेयर्स, एसी, अटैच बाथरूम एंड ब्यूटीफुल सा बालकनी जैसे सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। अब रही बात आउटडोर्स की, तो रूम के बाहर आपको सिटिंग एरिया एंड बहुत टाइप्स के इंडोर गेम्स देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ आपको बहुत बड़ा ओपन टेरेस एरिया भी मिल जाता है, जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, एंड यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए रूम मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स भी अलाउड है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप पांडिचेरी में 1000 to 2000 रुपीज की प्राइस रेंज में होटल या होम स्टे नहीं बल्कि एक रिजॉर्ट बुक कर सकते हो, तो क्या आप ये यकीन करोगे? सो यस गाइस, आप गणेश रेसिडेंसी रिजॉर्ट में 1000 to 2000 रुपीज के प्राइस रेंज में अपना रूम बुक कर सकते हो। नाउ दिस टाइम इस रिजॉर्ट का प्राइस आपको 2029 रुपीज देखने को मिल सकता है। ये रिजॉर्ट पांडिचेरी के साई बाबा कॉयल स्ट्रीट रोड में लोकेटेड है, जहाँ से 70 बीच का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। अब अगर इस रिजॉर्ट की बात करें, तो यहाँ आपको बहुत बड़ा आउटडोर एरिया मिल जाएगा, जहाँ आपको स्विमिंग पूल एंड एक ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया मिल जाता है, जहाँ से आप बैठ के सी व्यू ले सकते हो। यहाँ आपको रूम का कंडीशन भी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सैनोमा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इस रिजॉर्ट में रेस्टोरेंट, बार एंड पार्किंग भी अवेलेबल है, एंड यहाँ अनमेड कपल्स एंड आउटसाइड फूड भी अलाउड है, बट नो एंट्री फॉर पेट्स। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पांडिचेरी को लिटिल फ्रांस के नाम से भी जाना जाता है। सो अगर आप पांडिचेरी आओ और आप यहाँ आके फ्रेंच कल्चर्स को एक्सपीरियंस ना करो, तो आपके लिए ये ट्रिप अधूरी ही मानी जाएगी। सो अगर आप अपने ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हो, तो विला ड्यून ऑसन होटल में 2000 to 3000 रुपीज के प्राइस रेंज में अपना स्टे कर सकते हो, क्योंकि ये होटल पांडिचेरी के फ्रेंच कॉलोनी में ही लोकेटेड है। नाउ दिस टाइम यहाँ आपको रूम का प्राइस 2985 रुपीज देखने को मिल सकता है। अब रही बात इस होटल की स्पेशलिटी की, तो इस होटल को खास बनाती है इसके फ्रेंच स्टाइल आर्किटेक्चर, जो कि सच में बाहर से काफी यूनिक दिखती है। यहाँ आपको रूम भी काफी स्पेसियस एंड बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिलेगा, जहाँ आपको टीवी, एसी, मिनी फ्रिज, स्नैक्स आइटम्स एंड अटैच बाथरूम जैसे सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। रूम के बाहर आपको सिटिंग एरिया, स्विमिंग पूल, बार, कॉफी शॉप एंड ओपन डाइनिंग एरिया जैसे फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, एंड इस होटल में अनमेड कपल्स एंड आउटसाइड फूड भी अलाउड है, बट नो एंट्री फॉर पेट्स। अब अगर आप पांडिचेरी में विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो विद ऑल लग्जरी फैसिलिटीज, तो आप पैराडाइज वन विलास होम स्टे में अपना रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको 2000 to 3000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली यहाँ आपको रूम का प्राइस 2821 रुपीज देखने को मिल सकता है। ये होम स्टे पांडिचेरी के ऑरोविल रोड में लोकेटेड है, जहाँ से ऑरोविल मातृ मंदिर एंड सैनिटी बीच काफी नजदीकी स्थित है। अब रही बात इस होम स्टे की, तो यहाँ आपको रूम बहुत ही खूबसूरत तरह से विलेज स्टाइल में बना हुआ देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सभी मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। रूम के बाहर आपको बड़ा सा आउटडोर एरिया भी मिलेगा, जहां आपको स्विमिंग पूल, सिटिंग एरिया एंड आउटडोर गेम जैसे सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहां पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, एंड इस होम स्टे में अनमेड कपल्स एंड पेट्स भी अलाउड है, बट यहां आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है।
अब अगर आप पांडिचेरी में 3000 टू 4000 रुपीज के प्राइस रेंज में एक 4-स्टार होटल की तलाश में हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा ले रॉयल पार्क होटल। और अगर आप रिसेंटली यहाँ विजिट करते हो तो आपको यहाँ रूम का प्राइस 3917 रुपीज देखने को मिल सकता है। ये होटल पांडिचेरी के कामराज सैली रोड में लोकेटेड है, जहाँ से अरविंदो आश्रम 2 किलोमीटर एंड रॉक बीच 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। अब रही बात इस होटल की, तो यहाँ आपको रूम बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन एंड डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सभी लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। रूम के बाहर आपको स्विमिंग पूल, सिटिंग एरिया, ओपन डाइनिंग एरिया, बार, जिम एंड स्पा ट्रीटमेंट से सारी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड इस होटल में एडमिट कपल्स एंड आउटसाइड फूड भी अलाउड है, बट यहाँ पेट्स अलाउड नहीं है। हमारी लिस्ट के नंबर 5 में आता है पांडिचेरी के काफी पॉपुलर रिजॉर्ट मैंगो हिल पांडिचेरी रिजॉर्ट, जो कि आपको 3000 टू 4000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली यहाँ आपको रूम का प्राइस 4108 रुपीज देखने को मिल सकता है। ये रिजॉर्ट पांडिचेरी के व्हाइट टाउन से थोड़ी दूर ओल्ड ओरोविल रोड में लोकेटेड है। सो गाइस, अगर आप नेचर लवर हो और आप लेस क्राउडेड एरिया में स्टे करना पसंद करते हो तो आपके लिए ये रिजॉर्ट बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब रही बात इस रिजॉर्ट की, तो यहाँ आपको रूम काफी लग्जूरियस एंड एटिक स्टाइल के बने हुए मिलेंगे, जहाँ आपको कम्फर्टेबल एंड कोजी वाला फील आएगा। रूम में आपको सभी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ साथ बड़ा सा बैल्कनी एरिया भी प्रोवाइड किया जाता है। अब रही बात आउटडोर्स की, तो रूम के बाहर आपको बड़ा सा आउटडोर एरिया भी मिल जाएगा, जहां आपको स्विमिंग पूल, सिटिंग एरिया, बार, गेम हाउस एंड स्पा ट्रीटमेंट जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहां पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, बट इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। और अगर आप अनमेड कपल हो तो आप भी यहाँ स्टे कर सकते हो। अब अगर आप पांडिचेरी में 4000 टू 5000 रुपीज के प्राइस रेंज में एक बेस्ट लग्जरी होटल में स्टे करना चाहते हो तो आप पांडिचेरी के बहुत ही फेमस होटल अन्नामलाई इंटरनेशनल में अपना रूम बुक कर सकते हो। और अगर आप इस टाइम में विजिट करते हो तो आपको यहाँ रूम का प्राइस 4380 रुपीज देखने को मिल सकता है। ये होटल पांडिचेरी के कामराज सैली में लोकेटेड है, जहाँ से पांडिचेरी बस स्टैंड का डिस्टेंस सिर्फ 1.4 किलोमीटर है। अब इस होटल की स्पेशलिटी की बात करें तो इस होटल को खास बनाती है इसके रूप टॉप में बनी ब्यूटीफुल सा नेचुरल स्विमिंग पूल, जहाँ से आपको पांडिचेरी के पूरे शहर का नजारा देखने को मिल जाता है। अब रही बात रूम कंडीशन की, तो यहाँ आपको रूम भी काफी स्पेसियस एंड हाइजीनिक देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको टीवी, सोफा, एसी, मिनी फ्रिज, कॉफी मेकर एंड अटैच बाथरूम जैसे सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। रूम के बाहर आपको सिटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया, जिम, इंडोर गेम हाउस, कैफे, बेकरी एंड बार जैसे सारे फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड इस होटल में आउटसाइड फूड एंड एडमिट कपल्स भी अलाउड है, बट नो एंट्री फॉर पेट्स। अब अगर आप पांडिचेरी में होटल या होम स्टे नहीं बल्कि एक खूबसूरत सा विला बुक करना चाहते हो तो आप विला इकोटिबा में अपना स्टे के लिए रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको 4000 टू 5000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली यहाँ आपको रूम का प्राइस 4908 रुपीज देखने को मिल सकता है। ये विला पांडिचेरी के सोलाई नगर में लोकेटेड है, जहाँ से रॉक बीच 3.5 किलोमीटर एंड सैनिटी बीच 2.3 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। अब रही बात इस विला की, तो यहाँ आपको रूम फ्रेंच थीम में बहुत ही खूबसूरत तरह से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सोफा, एसी, टीवी, मिनी फ्रिज, कॉफी मेकर एंड बाथरूम में जकुजी के साथ साथ एक बड़ा सा बैल्कनी जैसे सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। रूम के बाहर आपको सिटिंग एरिया, गार्डन एरिया, ओपन टेरेस एंड इंडोर गेम जैसे फैसिलिटी भी दिया जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, जहाँ आपको फ्री ब्रेकफास्ट भी ऑफर किया जाता है। साथ ही यहाँ आउटसाइड फूड एंड अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट नो एंट्री फॉर पेट्स। अब अगर आप पांडिचेरी में एक बेस्ट बीच साइड रिजॉर्ट के तलाश में हो तो आप द अशोक बीच रिजॉर्ट में डेफिनेटली अपना रूम बुक कर सकते हो, क्योंकि ये रिजॉर्ट पांडिचेरी के कल्पेट बीच के सामने ही लोकेटेड है एंड यहाँ से व्हाइट टाउन का डिस्टेंस 16 किलोमीटर है। सो अगर आप लेस क्राउडेड एरिया में स्टे करना पसंद करते हो तो आपके लिए ये रिजॉर्ट परफेक्ट रहेगी। अब रही बात प्राइस रेंज की, तो ये रिजॉर्ट आपको 5000 टू 6000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। और अगर आप रिसेंटली यहाँ विजिट करते हो तो आपको यहाँ रूम का प्राइस 5963 रुपीज देखने को मिल सकता है। इस रिजॉर्ट में आपको रूम काफी लग्जूरियस एंड ब्यूटीफुल तरह से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको एसी, टीवी, सोफा, टी मेकर, फ्रिज एंड फुल्ली नीट एंड क्लीन बाथरूम के साथ साथ बड़ा सा सी व्यू बालकनी भी मिल जाता है। रूम के बाहर आपको आरओ एरिया भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली बीच एक्सेस कर सकते हो। साथ ही यहाँ आपको स्विमिंग पूल एंड बार जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड इस रिजॉर्ट में अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है।
हमारी लिस्ट की लास्ट नंबर वन में आता है पॉन्डिचेरी की बहुत ही पॉपुलर होटल आनंद इन होटल, जो कि आपको 5,000 to 6,000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली इस होटल का प्राइस आपको 5,182 रुपीज देखने को मिल जाएगा। ये होटल पॉन्डिचेरी के अन्ना सिलाई में लोकेटेड है, जहाँ से रोक बीच सिर्फ 1.6 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। अब रही बात इस होटल की, तो यहाँ आपको रूम काफी स्पेसियस, हाइजीनिक एंड बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सभी लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। रूम के बाहर आपको बड़ा सा स्विमिंग पूल, सिटिंग एरिया, बार, जिम, नाइट क्लब, स्पा, कॉफी शॉप एंड जकुजी जैसे सारे फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड इस होटल में अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। सो आई होप आपके लिए हमारी वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी दीप सुमी ब्लॉग्स में डीएम कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।